कृषि विभाग हमीरपुर में गेहूं का 3,700 क्विंटल बीज पहुंच गया है। किसानों को गेहूं के बीज पर 15 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को चार वैरायटी का बीज 17.85 रुपए किलो के हिसाब से बांटा जा रहा है। किसान भी कृषि विक्रय केंद्रों में बीज खरीदने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें बीज के लिए ज्यादा परेशान न होना पड़े। आपको बता दें कि कृषि विभाग हमीरपुर ने ब्लॉकों को डिमांड के मुताबिक गेहूं का बीज भेज दिया है। किसान भी ब्लॉकों में सब्सिडी पर मिल रहे बीज को खरीदने में लगे हुए हैं ताकि बारिश होते ही बीज की बिजाई की जा सके। कृषि विभाग किसानों को गेहूं के चार वैरायटी के बीज मुहैया करवा रहा है। इनमें PBW 343 उन्नत, HD 3086, DBW 88 और WH 1105 किस्म के बीज ब्लॉकों को भेजे गए हैं। गेहूं बीज का 40 किलो का बैग 714 रुपए में पड़ रहा है। बीज विक्रय केंद्र पर बीज खरीद रहे किसानों का कहना है कि गेहूं बीज समय पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए विभाग का धन्यवाद जताते हैं। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बीज के लिए 40 किलो की पैकिंग की बजाय छोटी पैकिंग में दिया जाए। यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा जो बीज दिए जा रहे हैं उसमें आपको कनक का बीज, जॉय वगैरह बरसी मिल रही है, पर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी जो हमारे को पैकिंग मिल रही है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही है। इसमें 40 किलो की पैकिंग मिल रही है और 40 किलो की पैकिंग में जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। जिनको कम चाहिए वो कम नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई। हम जैसे 10 किलो लेंगे, 5 किलो लेंगे तो उसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो बोल रहे हैं, जो कृषि विभाग वाले हैं वो बोल रहे हैं भाई पैकिंग यही है। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है भाई, अगर आप हो सके तो थोड़ी पैकिंग दो जितने जिनको ज़रूरत हो। अगर नहीं भी हो रही है थोड़ी पैकिंग, जो जो बड़ी पैकिंग है उनमें से ही देना शुरू करें थोड़ी थोड़ी करके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ग्राहक भी अच्छे से आएंगे। नहीं, इनकी अच्छी स्कीम चालू की है उन्होंने, हर छोटे बड़े किसान को सब कुछ बीज मिल रहा है, बरसीम, सरसों, पालक, फूल, मूली, कणक वगैरह। पर मैं एक आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा इनका जो बीज देने का तरीका है थोड़ा गलत है। 40 किलो की थैली है, जो छोटा किसान है वो तो 40 किलो ले नहीं सकता है, तो किसको कैसे करे। 10 किलो देते नहीं है, खुला देते नहीं है, इस करके छोटे किसानों को तो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि छोटी छोटी पैकिंग की जाए 10 और 15 किलो की, जिससे सबको आसानी से बीज मिल सके। ठीक है सर। किस कौन कौन से बीज दिए जा रहे हैं? कणक, गेहूँ, सारे सब भी मिल रहा है अभी। और जैसे वो छोटी पैकिंग होनी चाहिए 10-15 किलो की, तो उससे सुविधा हमारी हो जाएगी। उपनिदेशक कृषि विभाग हमीरपुर डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों की डिमांड पर ब्लॉकों को गेहूं का 3,700 क्विंटल बीज भेज दिया गया है। किसानों को गेहूं का बीज 17.85 रुपए किलो के हिसाब से बांटा जा रहा है। गेहूं के बीज की चार वैरायटी किसानों को मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि किसान डिमांड के मुताबिक बीज खरीदना सुनिश्चित करें, अगर बीज कम पड़ता है तो और बीज मंगवाया जाएगा ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। क्योंकि हमारे जो एक्सटेंशन काउंटर की बात करें या सेल सेंटर की बात करें तो जिला हमीरपुर में जो है 6 विकास खंड है, और 6 विकास खंड में जो है हमारे लगभग जो हमारी जितनी पोस्ट भरी है उस मुताबिक लगभग 25 के इर्द गिर्द जो है एक्सटेंशन काउंटर जो है वहां पर जो हमने बीज उपलब्ध करवाया है, ताकि किसानों को जो है वो उनके नजदीक से नजदीक या घर द्वार पर जो है वो बीज उपलब्ध हो सके। इसलिए हमने यहाँ कोशिश की है कि पंचायत स्तर पर या 2 या 3 पंचायत स्तर के स्तर पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं वहाँ भी उनके माध्यम से भी जो है हम जितनी जितनी मांग है उनके अनुसार जो है बीज का वितरण किया जा रहा है। और कितने लोगों ने किए सर? जहाँ तक इस रवि 2020-21 का प्रश्न है तो रबी के मौसम की हम बात करें तो खाद्यान्न फसलों के रूप में जो है वो गेहूँ जो यहाँ की मुख्य फसल है जिला हमीरपुर की अगर हम बात करें तो, और कुल क्षेत्रफल जो हमारा जिसमें बिजाई की जाती है उसमें लगभग 36,000 हेक्टेयर में बिजाई की जाती है रबी के मौसम में, और उसमें लगभग 30,500 हेक्टेयर जो है वो उसमें गेहूँ की बिजाई की जाती है। जहाँ तक प्रश्न है कि गेहूँ के बीज का, तो उसमें
मैं आपको बतलाना चाहूँगा या किसान भाइयों को इस मकसद से ये अपनी बात रखना चाहूँगा कि हम अपने जो फील्ड फंक्शनर, चूँकि हमारे जो एक्सटेंशन काउंटर की बात करें या सेल सेंटर की बात करें, तो जिला हमीरपुर में जो है 6 विकास खंड है और 6 विकास खंड में जो है हमारे लगभग जो हमारी जितनी पोस्ट भरी हैं उस मुताबिक लगभग 25 के इर्द गिर्द जो है एक्सटेंशन काउंटर जो हैं वहाँ पर जो हमने बीज उपलब्ध कराया है ताकि किसानों को जो है वो उनके नज़दीक से नज़दीक या घर द्वार पर जो है वो बीज उपलब्ध हो सके। इसलिए हमने यहाँ कोशिश की है कि पंचायत स्तर पर या 2 या 3 पंचायत स्तर के स्तर पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वहाँ भी उनके माध्यम से भी जो है हम जितनी जितनी मांग है उनके अनुसार जो है बीज का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो है हम इस जिला में हम 3 किस्में जो गेहूँ की मुख्यतः वो दे रहे हैं, उसमें HDT 86, WH 1105 और PVW 343। और इसका जो पूरी कीमत जो निर्धारित की गई है वो 3285 रुपये प्रति क्विंटल है। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है इसमें उपदान दिया जा रहा है और 1500 रुपये प्रति क्विंटल का उपदान दिया जा रहा है। तो किसानों को हम जो है ये तीनों किस्में जो है वो 1785 प्रति क्विंटल की दर से जो है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 80 क्विंटल बरसीम का बीज आया था और 450 क्विंटल जोई का बीज आ चुका है और 250 क्विंटल कणक का बीज आ चुका है। जोई और बरसीम हमारी डिमांड के अनुसार आ चुकी है और बरसीम 80 क्विंटल की 80 क्विंटल सेल भी हो चुकी है। जोई 450 क्विंटल की डिमांड थी, 450 में से 450 आ गई है, 400 के लगभग सेल हो चुकी है। और वीट की हमारी 550 क्विंटल की डिमांड थी, 550 में से 250 क्विंटल अभी तक पहुंच चुका है और आ रहा है। उसमें से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और के चक्कर में हमने सोसाइटियों में भी बीज भेजा है ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो, सोसाइटियों में बीज किसानों को आराम से मिल रहा है और यहाँ भी बड़े आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बीज का वितरण किया जा रहा है। लगभग 100 क्विंटल अभी तक यहाँ वितरित हो चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान गेहूं बीज की डिमांड लंबे समय से कर रहे थे ताकि गेहूं की बिजाई समय पर की जा सके। किसान भी बारिश के इंतजार में बैठे हैं ताकि जैसे ही बारिश हो तो वह गेहूं की बिजाई समय पर कर सकें। किसानों को गेहूं बीज का प्रति किलो 15 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को गेहूं का 1 किलो बीज 17.85 रुपए किलो में पड़ रहा है। किसान भी बीज खरीदने के लिए कृषि बिक्रियों में गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं ताकि समय पर बीज खरीदा जा सके। कृषि विभाग ने किसानों की डिमांड पर बीज भेज दिया है, फिर भी अगर कहीं बीज की कमी खलती है तो किसानों को समय पर और बीज मुहैया करवाया जाएगा ताकि किसानों को बाजार से महंगे दामों पर बीज न खरीदना पड़े।